जी असलम जी कंटिन्यू करते हैं हम uh, सबसे पहले यहाँ पर देखें परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ पर मैं जाऊंगी और uh, अकाउंट हेल्थ में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन हैं जो कि कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस से रिलेटेड और शिपिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड और ये मतलब हम लोग मेजर केसेस को यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं जैसे ड्रॉप शिपिंग सेक्शन uh, थ्री और uh, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग अगर एफ पी एम सेलर फुलफिल्ड बंद होती है तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है इन ऑथेंटिसिटी के केसेस को डिस्कस कर लिया है इसके अलावा लिंक अकाउंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को हमने कर लिया है अब ये जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है इसको हम देख लेंगे बाकी आईपी पी कंप्लेन को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो बहुत कम पोर्शन हमारा जो है वो uh, रह गया है जो कि हमने डिस्कस करना है तो इसमें लाइक uh, like, आपको uh, कुछ ओवरव्यू दे दूंगी uh, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया भी हो लेकिन uh, मैं ओडीआर से रिलेटेड एल एस आर प्री फुल वैलिड ट्रैकिंग इनसे रिलेटेड मैं आपको जो है वो डिटेल में गाइडलाइंस दूंगी और बाकी ये जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कम्प्लेन है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कस्टमर uh, जो है अगर कंप्लेन करता है कि उसे आइटम रिसीव हुई है लेकिन वो ऑथेंटिसिटी के बारे में क्वेश्चन मार्क अगर रेज नहीं करता तो जो कंप्लेन आएगी वो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन में आएगी तो यूजली जो कंडीशन कस्टमर कंप्लेन होती है वो रॉन्ग प्रोडक्ट से रेलिवेंट होती है या फिर अगर आपने न्यू प्रोडक्ट लिस्ट की है और कस्टमर को जब रिसीव हुई तो उसकी जो पैकेजिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई या उसकी पैकेजिंग फटी हुई थी या प्रोडक्ट जो है वो डस्टी थी या मतलब इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो रॉन्ग कंडीशन में आते हैं और इसके अलावा अगर देखें तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है और आ, आपने ऑथेंटिक सप्लायर वेंडर से ब्रांड की ओरिजिनल प्रोडक्ट लिया लेकिन प्रोडक्ट में अगर कोई इशू आ जाता है लाइक अगर कोई टॉय है उसमें कोई पार्ट अगर मिसिंग है या फिर आ, कोई होम एंड किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है और उसमें जो है वो कोई इशू आ रहा है तो इस तरह के केसेस में जो कंप्लेन लॉन्च होती है वो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन की होती है इसके लिए आ, हमारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो वॉइस ऑफ कस्टमर होती है तो हमें वॉइस ऑफ कस्टमर पे जाकर चेक करना होता है कि जिस ए में मसला आया है जिस पर कंप्लेन जो है अमेजोन ने हमें सेंड की है उसका असल में बैकग्राउंड में इशू क्या है फॉर एग्जांपल वो इस कैटेगरी में लाया करती है असल में हमें वो ए एस आई जिसमें कंप्लेन आई होती है वो यहाँ पर सर्च करना होता है एंटर करके सर्च करना होता है ठीक है मैं अभी यहाँ सी लिस्टिंग में एक पुअर लिस्टिंग जो है वो निकाल देती हूँ आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया है ये प्रोडक्ट है जिसमें यहाँ पर देखें रोंग आइटम सेंड ये आ, ये इशू है ठीक है तो आ, इसकी अगर हम डिटेल चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कर जाकर सी डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे और सी डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हम आ, जो आ, आ, सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे के क्या इशू है कस्टमर ने एक्चुअली कंप्लेन क्या की है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें हर ऑर्डर आईडी के अंगेस्ट कस्टमर के बैक एंड पता चल रहे हैं कि कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया है यहाँ पर रिटर्न उसने किया अगेन फॉर द सेकेंड टाइम दे सेंड मी होल न्यू रेदर देन द गार्ड रिप्लेसमेंट आई एम ऑर्डरिंग फॉल्स डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन इसकी गलत है अच्छा अब इसके बाद अगर देखा जाए तो फर्दर मैं आपको यहाँ पर गाइड करती चलूं के कि यहाँ पर अगर देखें कि वॉल प्रोफेशनल फाइव स्टार सीरीज और आई रिव दर टूल फॉइल अच्छा अब हर एक की जो कम्पलेन है उसको आपने देखना है कि हर पर्सन किस टाइप की कंप्लेन यहाँ पर कर रहा है आई गोट सेंट एन ओल्डर मॉडल ठीक है बट लेकिन उससे जो है वो रिप्लेसमेंट चाहिए अब आप देखो सब को ही तकरीबन एक ही चीज़ से जो है वो प्रॉब्लम है आ, जो कि अच्छा इसने अब कहा है कि मुझे ओपन बॉक्स मिली है प्रोडक्ट इसने कहा है कि आ, सेट आ, सेंट कंप्लीट शेवर एंड नॉट जस्ट रिप्लेसमेंट ब्लेड ठीक है तो मतलब ये कि हर एक के उसमें एस आई मतलब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिसिंग हमें नजर आ रहा है ठीक है जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन इसकी अप टू द मार्क नहीं है या फिर इसकी इसके पार्ट्स कुछ हमें रिसीव हो रहे हैं वो मिसिंग है ठीक है इस तरीके से जो है वो कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं ठीक है इसी तरह से अगर कुछ और आइटम्स को देखें तो जैसे ये पुअर लिस्टिंग्स हैं तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे ये वाली आइटम है इसमें डिफेक्टिव आइटम ज्यादा है ठीक है हम यहाँ पर देखेंगे सी डिटेल्स पर जाकर क्लिक करके तो हमें पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में क्या इशू है तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट के इश्यूज होते हैं उसको हमें वॉइस ऑफ कस्टमर से जाकर फौरी तौर पे देखना होता है कि प्रोडक्ट में असल इशू आ क्या रहा है क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंस की परसेंटेज जिसमें ज्यादा होती है वही प्रोडक्ट ज्यादातर रोंग कंडीशन में जाती है अब इसमें क्लिपर चार्जिंग मिसिंग है और इसमें आ, कुछ भी नहीं वो कह रहा है इसमें वो कह रहा है आई हैव एन अदर वन आई हैव एन रिसिव्ड यट दिस आइटम डिड नॉट कम विद चार्जिंग स्टैंड एज एडवर्टाइज ठीक है इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन में चीज़ें क्लियरली गिवन नहीं है आई एम नॉट गेटिंग द क्लिपर्स एडवर्टाइज्ड अब इसमें भी उसने यही कहा है कि चार्जिंग वाला वो नहीं मिला यहाँ पर भी क्लिपर चार्जिंग उसने कहा है मिसिंग है यहाँ पर भी उसने कहा है कि लॉन्ग रॉन्ग क्लिपर हमें सेंड किया है नो चार्जर बेस्ड शिफ्ट और इसका मतलब है कि हर जगह पे जो क्लिपर है वो ही मिसिंग है सब प्रोडक्ट्स में तो अब इस तरह के केस में या इस तरह के सिनेरियो में क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो क्या है आप कहाँ से सोर्स कर रहे थे इसकी सोर्सिंग ऑथराइज्ड है या नहीं है उस चीज को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी अब आ, इस तरह के केस में ये आ, जो मतलब प्रॉब्लम होती है इसमें जो लिस्टिंग है वो मतलब डीएक्टिवेट नहीं होती फौरी तौर पे एमेजोन जो है वो आपको भेजता है कि कस्टमर जो है वो उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस आ रहा है और आप इस इशू को रिजॉल्व करें अदरवाइज हम आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देंगे ठीक है और वॉयलेशन जो है वो आपके अकाउंट की हेल्थ में शो होना स्टार्ट हो जाती है अकाउंट हेल्थ में प्रॉपरली जाकर शो होना स्टार्ट हो जाती है और जब आपको इस तरह से वॉयलेशन um, मिल जाती है तो लिस्टिंग फिर रिमूव हो जाती है और अगर आप उस इशू को रिजॉल्व नहीं करते समटाइम ये होता है कि डायरेक्टली वॉइस ऑफ कस्टमर के नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से उस लिस्टिंग पर वॉयलेशन अमेजन सेंड कर देता है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें फौरी तौर पे लिस्टिंग को क्लोज करना होता है ताकि हमें फर्दर इस पर ऑर्डर्स ना मिलें। ठीक है जब हमें आ, अगर अमेजोन ने वॉयेशन भेजी हुई है और अमेजोन उसे कह रहे हैं कि आप उस चीज को प्रूफ करो उसको वेरीफाई करो और अगर आप नहीं कर पा रहे या आपने अभी तक नहीं किया तो अमेजोन ऑब्वियसली मतलब आ, आपको और ऑर्डर आते जाएंगे और उसपे कंप्लेन बढ़ती जाएंगी तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट होने का भी खतरा होगा तो यूजली ये होता है कि आपको सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि आपको जिस लिस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है उस लिस्टिंग को क्लोज करना है आपने जैसे अब ये लिस्टिंग है इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका ई एस आई लोगे इस प्रोडक्ट का और इस लिस्टिंग को जो है वो सबसे पहले क्लोज करोगे ठीक है अब लिस्टिंग क्लोज करने का तरीका आपको आता ही होगा मैं लेकिन बता देती हूँ फिर भी अगर किसी को नहीं भी पता तो उसको पता चल जाए अब जैसे आपको क्या करना है आपको मैनेज इन्वेंटरी में जाना है वहां पर जाकर जो ए एस आई एन जो प्रॉब्लमेटिक है उसके चेक बॉक्स को आपने चेक करना है ठीक है ये मैनेज ऑल इन्वेंटरी पर जाकर ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है इसको यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड पर क्लिक करके आपने क्लोज लिस्टिंग पर क्लिक कर देना है तो ये लिस्टिंग आपकी क्लोज हो जाएगी सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा क्लोज का मतलब ये होता है कि आप परमानेंटली रिमूव नहीं कर रहे आप लेटर ऑन जो है वो इस इशू को देखोगे और अगर आप करना चाहो तो आप इस प्रोडक्ट को जो है वो रीसेल भी कर सकते हो जब आपका इशू रिजोल्व हो जाए अच्छा अब इसको आ, इस वॉयलेशन को रिमूव कैसे करवाना है और इस इशू को आ, लिस्टिंग क्लोज करने के बाद क्या स्टेप होगा आपका लिस्टिंग क्लोज करने के बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा उसमें आपने प्रोडक्ट को जो है वो लाइक कुछ यूनिट्स जो है अगर एफबी आपने किया हुआ है तो कुछ यूनिट्स उसके आपने वापस मंगवाने हैं एमेजोन से रिटर्न करवाने हैं इशू को खुद से फिजिकली uh, एनालाइज करने के लिए अगर तो इशू परसिस्ट कर रहा है बाकी आइटम्स में भी तो फिर आपको सारी इन्वेंट्री रिमूव करवानी पड़ेगी वहां से और फिर वॉयलेशन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा आ, अपनी जो सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट है जिसमें खास तौर पे आपकी इनवॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट प्रूफ है जो कि आपने आ, उनको पेमेंट परचेजिंग के टाइम पर मतलब प्रोडक्ट परचेजिंग के टाइम पर आपके पास पेमेंट प्रूफ होगा वो आपने यूटिलाइज करना है और उसके साथ आपने प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करवाना है जिसमें आप प्रोडक्ट में जो भी डिटेल में इशू है उसको आप डिस्कस करोगे एमेजोन की टीम के साथ सो so आप वेट करो मैं आपको ग्रुप में जो है वो प्लान ऑफ एक्शन सेंड करती हूँ फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं